हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो फाइल आपने डिलीट कर दी है कैसे उसे वापस लाएंगे। जैसे कि अगर आप फाइल मैनेजर से किसी फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो या फिर किसी भी पीडीएफ फाइल को अगर आपने डिलीट कर दिया है तो कैसे आप उसे वापस लाएंगे। डिलीट गाइस करने के बाद परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, आपके पास कहीं ना कहीं वो ज़रूर आता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसे वापस लाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को गाइस लाइक और शेयर कर देना, साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर से कर देना, क्योंकि बहुत लोगों में ऐसा होता है डिलीट करने के बाद गलती से डिलीट हो जाता है और फिर वो वापस लाना चाहते हैं तो नहीं जान पाते। तो गाइस, करना क्या है आपको, जो अपने मोबाइल फ़ोन का फाइल मैनेजर होता है आपको उसे ओपन करना है। यहाँ पर देखिए, फाइल मैनेजर मेरा यहाँ पे है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब आप फ़ोन मेमोरी में जाकर जो भी डिलीट किए रहेंगे, यहाँ पर जैसे कि फ़ोन या फिर एसडी कार्ड में जो भी डिलीट किए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं इस दो फोल्डर को डिलीट करता हूँ। तो डिलीट करने के बाद जैसे ही बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए रिसेंटली डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वाला ऑप्शन, कि अगर आप जैसे ही अपना ओपन करते हैं फाइल मैनेजर, इस प्रकार का ओपन होता है, तो आपको क्या करना है, बगल में कैटेगरी का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा दूसरे नंबर पे, यहाँ पर देखिए है रिसेंटली डिलीटेड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी फाइल आप डिलीट किए रहेंगे सब यहाँ पर आ जाएंगी। अब जो फोल्डर आपको बैकअप करना है, जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट रखे हैं, उसे आप बैकअप कर सकते हैं। जैसे कि डाउनलोड में मेरा एक पीडीएफ है, तो मैं इसे अभी बैकअप करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसके पहले मैं यहाँ पर फ़ोन स्टोरेज में जाता हूँ और यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर फोल्डर नहीं है डाउनलोड का। तो अब इसे बैकअप करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। तो डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करना है गाइस आपको भी जो आप फोल्डर बैकअप करना चाहते हैं, फ़ोटो या वीडियो। फिर बीच में जो ऑप्शन है रिकवर का, इस पर क्लिक करना है, फिर रिकवर पर क्लिक कर देना है। ये देखिए रिकवर हो चुका है। अब आते हैं अपने फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं, फ़ोन में आते हैं और यहाँ पर डाउनलोड में आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ हमारा जो है वापस आ चुका है। इसी प्रकार का इसे आप किसी भी फ़ोटो या वीडियो, किसी भी फाइल को आप वापस ला सकते हैं रिसेंटली डिलीटेड में। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस।